Good morning, students. Hope you are alive and kicking. Today I'm going to take your English class. I know you have very well studied your chapter 4, 2nd and 3rd. So from today, I'll teach you chapter number 4. Father's Help, written by R.K. Narayan. R.K. Narayan was a famous writer for his novels, short stories, etc. And it is one of them. The main theme of the story is a pretext for not going to school. What is the theme of the story? Pretext. Pretext means hota hai bahana karna. For not going to school, school na jaane ke liye. Jaise aap logo bhi kabhi na kabhi bahana karte hoge, like mujhe headache hai, mujhe fever hai, mere pair mein dard hai, mujhe toothache hai, kuch bhi. क्योंकि आपको पता है कि आज आपका होमवर्क नहीं है या आज मैम गुस्से में, कुछ भी आपको लगता है, सो आप उस चीज के लिए बहाना करते हो दैट यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल. द स्टोरी डिपिक्ट्स द चाइल्ड साइकोलॉजी एंड शोज हाउ अ चाइल्ड्स माइंड वर्क्स टू डिवाइस आउट अ ट्रिक फॉर शॉकिंग हिज ड्यूटी. इट्स स्टोरी इज अबाउट अ चाइल्ड. वो चाइल्ड कैसे अपने बहाने लगाता है अपने आप को स्कूल जाने से बचाने के लिए, क्या क्या उसके माइंड में आ सकता है एक बच्चे के दिमाग में, टू डिवाइस आउट अ ट्रिक, क्या क्या तरकीब, क्या क्या तरीके वो लगा सकता है. वो शॉकिंग, शॉकिंग मीन्स होता है भागना फ्रॉम हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से भागने के लिए, स्कूल से बचने के लिए वो क्या क्या चीजें सोच सकता है, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर. लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. बेड पे सोए हुए स्वामी को एकदम से रियलाइज हुआ कि आज तो मंडे की सुबह है, और ये सोच के वो कांप उठा. It looked as though only a moment ago it had been the last period on Friday. अभी उसे ऐसे लग रहा था कि अभी तो फ्राइडे का लास्ट पीरियड गया था थोड़ी देर पहले. Already Monday was here, और मंडे भी आ गया. He hoped that an earthquake would reduce the school building to dust, but that good building, Albert Mission School, had withstood similar prayers for over 100 years now. वो चाहता था कि कोई भी तूफान आए, भूकंप आए और मेरे स्कूल की बिल्डिंग खत्म हो जाए या उसमें बहुत सारी डस्ट भर जाए, लेकिन ये गुड बिल्डिंग, अल्बर्ट मिशन स्कूल नाम की बिल्डिंग, इसे कुछ नहीं हो सकता. यहाँ पे लगभग सौ सालों से यहाँ पे इतनी सारी प्रेयर हो रही है कि इस बिल्डिंग में कभी कुछ नहीं हो सकता. एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव अ हेडेक. और लगभग 9 बजे थे और स्वामीनाथन ने, वेल्ड मीन्स क्राइड विद पेन, स्वामीनाथन एकदम से रोने चिल्लाने लगा, मुझे सर में दर्द है. हिज मदर सेड व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल इन अ झटका. और उसकी मम्मा ने बोला कि चल तो कोई बात नहीं, झटका मीन्स रिक्शा, तुम रिक्शा पे चले जाओ, सो दैट आई मे बी कम्प्लीटली डेड एट अदर एंड. उसने बोला था कि मैं मर ही जाऊँ सीधा. हैव यू एनी आइडिया व्हाट इट मीन्स टू बी जॉल्टेड इन अ झटका. आपको पता भी है कि रिक्शा में कितने झटके लगते हैं. Have you many important lessons today? अब मम्मा ने पूछा कि आज जरूरी काम है क्या स्कूल में? Important? वाह, that geography teacher has been teaching the same lesson for over a year now. Geography teacher लगभग 1 साल से वही चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं. And we have arithmetic, which means that whole period we are going to be bitten by the teacher. Important lessons. हाँ, दो ही पीरियड लगते हैं ज्योग्राफी के टीचर में. वो जो मैडम है, टीचर है, वो हमेशा 1 साल से सेम चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं. और अर्थमेटिक में मतलब कि टीचर हमें पूरा पीरियड मारने वाला है. इम्पोर्टेंट लेसन कुछ नहीं है मम्मा, कोई पढ़ाई नहीं होगी. एंड मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम. तो मदर ने सोचा चलो स्वामी को घर ही रह जाना चाहिए. एट 9:30 व्हेन ही ought to have been shouting in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room. Father asked, have you no school today? 9:30 बजे जब लगभग वो स्कूल के प्रेयर हॉल में प्रेयर कर रहा होता था, आज वो उस दिन मम्मा के रूम में सोया पड़ा है. अब फादर ने पूछा तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड. स्वामी ने बोला आज मेरे सर में दर्द है. नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो. हेडेक, लॉफ अबाउट लेसन सनडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे. अब फादर ने बोला कि ड्रेस अप, तैयार हो जाओ और जल्दी से स्कूल जाओ, और संडे को खाना कम खाया करो ताकि मंडे को हेडेक ना हो. स्वामी न्यू हाउ स्टबर्न हिज फादर कुड बी एंड चेंज हिज टैक्टिक्स. आई कांट गो सो लेट टू द क्लास.
स्वामी को पता था कि उसके जो फादर हैं वो स्टबर्न हैं. स्टबर्न मीन्स बहुत ज़िद्दी होना. अब उसने बोला मेरी ये तरकीब तो चलेगी नहीं. सो उसने चेंज की तरकीब. उसने बोला इतनी लेट तो मैं पापा बिल्कुल नहीं जा सकता. आई एग्री बट यू विल हैव टू. इट्स योर ओन फॉल्ट. यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे. उन्होंने बोला कि तुम्हारी गलती है, चाहे तुम देर से जाओ जैसे मर्जी करो. तुमने घर रहने से पहले मेरे से पूछा था कि आज मैं स्कूल ना जाऊँ. वट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट. पापा टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं इतनी लेट जाऊँगा तो. टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट. उन्हें बोल देना कि तुम्हें हेडेक था इसीलिए तुम देर से आए हो. ही विल बीट मी इफ आई से सो. वो मुझे मारेंगे अगर मैंने उन्हें ऐसे बोला तो. विल ही लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम. मारेंगे मुझे बताओ, मैं देख लूंगा कौन है वो, क्या नाम है. सैमुअल डस ही बीट द बॉयज. क्या वो मारते हैं. ही इज़ वेरी वायलेंट स्पेशली विद बॉयज हु कम लेट. सम डेज अगो अ बॉय वॉज मेड टू स्टे ऑन हिज नीज फॉर अ होल पीरियड इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास बिकॉज ही केम लेट एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग 6 कट्स फ्रॉम द केन एंड हैविंग हिज ईयर्स ट्विस्टेड. आई वुडंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास. पापा वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है, बहुत मारते हैं स्पेशली उन लड़कों को जो क्लास में लेट आते हैं. कुछ दिन पहले एक लड़का लेट आया था तो उसको उसके घुटने के बल बिठा दिया और उसको 6 बार उसको डंडों से मारा और इतना मारा कि उसके हाथ पे कट हो गए, कट लग गए और इवन उसके ईयर्स को भी उसने मोड़ दिया. आई वुडंट लाइक टू गो लेट टू द सैमुअल्स क्लास. और मैं सैमुअल की क्लास में लेट जाके मार नहीं खाना चाहता. इफ़ ही सो वॉयलेंट वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट. अगर वो इतना वॉयलेंट है, इतना मारता है तो तुम अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं बताते हो उसके बारे में. दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम. वो बोलते हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरता है. ही इज सच अ वॉयलेंट मैन. इतना ज़्यादा डरावना है और इतना ज़्यादा मारता है. एंड देन स्वामी गेव अ ल्यूरिड अकाउंट ऑफ सैमुअल्स वॉयलेंस. और स्वामी ने क्या बोला उसके बारे में. ल्यूरिड चीज़ें बताई. ल्यूरिड मीन शॉकिंग. शॉकिंग चीज़ें बताई सैमुअल के वायलेंस के बारे में. हाउ व्हेन ही स्टार्टेड केनिंग ही वुड नॉट स्टॉप. जब वो मारना शुरू करता था वो रुकता ही नहीं है. कब तक. टिल ही सॉ ब्लड ऑन द बॉयज हैंड. जब तक कि वो बच्चे के हाथ में खून ना देख ले. विच ही मेड द बॉय प्रेस टू हिज फॉरहेड लाइक अ वर्मिलियन मार्किंग. और इतना कि जब तक वो बच्चा सर उसको हाथ पे इतना लगाए और वो हाथ सर पे रख ना ले और उसके सर पे सिंदूर जैसा मार्क ना आ जाए. वर्मिलियन मीन सिंदूर. Swami hoped that with this his father would be made to see that he couldn't go to his class late. अब स्वामी ने सोचा मैंने इतना ज़्यादा पापा को बता दिया है तो वो मान ही जाएंगे और मुझे स्कूल लेट भेजने के लिए मानेंगे नहीं. But father's behavior took an unexpected turn. He became excited. But father का behavior जो था वो एकदम change नहीं हुआ. He became excited. बल्कि वो excited हो गए. What do these swine mean by beating our children? स्वाइन मीन सुअर. अब वो बोलना चाह रहे हैं कि इनका मतलब क्या है हमारे बच्चों को इतना मारने का. दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ द सर्विस. आई विल सी. उन्हें स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए. मैं देख लूंगा. द रिजल्ट वॉज ही प्रपोज टू सेंड स्वामी लेट टू हिज क्लास एज अ काइंड ऑफ चैलेंज. अब रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने स्वामी को जबरदस्ती स्कूल भेज ही दिया एज अ चैलेंज. He was also going to send a letter with Swami to the headmaster. और उसने स्वामी को एक letter भी दिया और बोला कि ये letter headmaster को दे देना. No amount of protest from Swami was of any avail. Swami had to go to school. स्वामी का कोई भी विरोध उसके father के सामने नहीं चला. कोई फ़ायदा नहीं हुआ और at the end स्वामी को school जाना ही पड़ा. By the time he was ready, father had composed a long letter to the headmaster, put it in an envelope and sealed it. जब तक वो तैयार हो रहा था उसके पापा ने इतना बड़ा लेटर लिख के हेडमास्टर के नाम लिख दिया और उसे बोला कि ये ले सील्ड है ये एनवेलप में, तू जब जाएगा तो अपने हेडमास्टर को दे देना. What have you written, father? Swaminathan asked apprehensively, excitedly. Apprehensively means excitedly. अब उसने पूछा पापा लेटर में क्या लिखा है आपने. नथिंग फॉर यू. तुम्हारे लिए कुछ नहीं है. गिव इट टू योर हेड मास्टर एंड गो टू योर क्लास. अपने हेड मास्टर को दे देना और उसके बाद क्लास में जाना. हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आर टीचर सैमुअल. क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है. प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम. प्लेंटी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं. When your headmaster reads it, he will probably dismiss Samuel from the school and hand him over to the police. बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. जब headmaster उसे पढ़ेगा ना वो
पक्का तुम्हारे टीचर सैमुअल को स्कूल से बाहर निकाल के फेंक देगा और फिर पुलिस उसे पकड़ लेगी। वट हैज़ ही डन फादर, पर उसने किया क्या है? वेल देयर इज़ फुल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग ही हैज़ डन इन द लेटर, उसने जो कुछ भी किया वो सब मैंने लेटर में लिख दिया है। गिव इट टू योर हेड मास्टर एंड गो टू योर क्लास, यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग, और तुम जाओ और जब तुम वापस आओगे तो शाम को अपने हेडमास्टर से एक्नॉलेजमेंट मीन्स रिप्लाई, उनसे आते हुए एक रिप्लाई ज़रूर लेके आना।